कुछ खास नहीं थे। मुझे पहले ही देर हो चुकी है, मुझे मीट क्लब में जाना है। ये कचरा नहीं। हे तुम कर क्या रहे हो? मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा होगा कि तुम इसे साफ करो। हाँ? तुम्हारी दिक्कत क्या है? वो जो कहना है कहो। ठीक है, तुम्हारी पैंट इसको। खाने के साथ कुछ और लेना चाहोगे? जो खाना है खाओ। यहाँ ये क्या था? हाँ क्या? माफ कर दो मुझे। देखा? मैं नहीं देखा तुम्हारे पांडा शेप की पैंट, इसको मैं नहीं देखा। हाँ क्या बात है नचार? हाँ कुयोकी कौन? तुम भी एना मोटासा? नाचन क्या तुम इसे जानते हो? ये मेरा क्लासमेट है। क्लासमेट? हाँ, इसका नाम कुयोकी आया से है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। इसका मतलब? माफ करना सेनपाई, मुझे पता नहीं था कि। नहीं, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस कचरा को साफ कर दूंगा। हमारी पहली मुलाकात काफी अजीब थी। लेकिन मैं जानती थी यही सही है। खाने के लिए शुक्रिया। तुमने छुड़ी को वापस से पहन लिया। लेकिन ये बहुत अच्छा है। तुम जानती हो ये मेरी फेवरेट में से एक है। भाई मैं ले रही हूँ। ये बिल्कुल। भाई तुम बहुत अच्छे डफर हो। अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाओगी। हाँ। दोबारा मॉर्निंग प्रैक्टिस? तुम जल्दी उठ गए। तुम गूंगे हो पर तुम्हारी जल्दी उठने की काबिलियत बहुत अच्छी है। इम्प्रेसिव। चुप रहो, मैं जा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। हाँ? तुम बाहर क्या कर रहे हो कोतारो? हाँ मॉर्निंग प्रैक्टिस, और क्या? तुम्हारी मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं होती क्या? मेरी अच्छी सुबह इस तरह। ये मेरी लाइन है। और हाँ, सुबह सुबह किसी से मिलो तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ना कि तुम्हारी तरह चिढ़ते हैं। ओए तुम मेरी बात सुन रही हो? रुको, बाद में। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने स्कूल के सॉकर एस को हरा दोगी? मेरे पैर बहुत मजबूत हो गए हैं रेस से। यहाँ पास करो। Lightning shot. Nice shot. Okay. ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहो। Morning practice ही ऐसा टाइम है जहाँ पे first year के boys ball को छू सकते। चुप रहो। Hi. इसके अलावा एक अजीब बात और। सेटोगुची-सान, ओहायो। हेलो। उस दिन के बाद से हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं हम हेलो कहते हैं। वहाँ कौन है? कोई खास नहीं है। हाँ क्या वो ऐसे कुयोकी है? तुम उसे जानते हो? हाँ ये नात्सुकी का दोस्त है पर मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। हाँ? वो तो गया, वो बहुत अजीब है। हुँ।
तो क्या सेतुगुची उस आदमी की तरह ऐसा करता है? क्या सच में वो बंदा बिल्कुल लड़की की तरह दिखता है तुम्हें लगता है? लेकिन शायद फिर भी मुझे से क्या फर्क पड़ता है? सेनपाई, तुम यहाँ हर दिन काम कर रहे हो? ये तो तुम कौन हो? अरिसा ताकामिजावा, फर्स्ट ईयर। ताकामिजावा सान है ना? मैं कराची लगा। मुझे भी। सेतोगुची सान। क्योंकि सेनपाई। सेतो। क्योंकि सेनपाई। क्या मैं फ्लावर्स को सही करने में मदद करूं? लेकिन मैं मदद करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या क्या बकवास है? ताकामी जावा अचानक से उसके साथ। वही ना, कल अगर तुम फ्री हो तो मेरा मैच देखने आ सकती हो। मुझे मैं बहुत थक गई हूँ। ये किस लिए था? ओ हीना, तुम सुन भी रही हो? हीना? हाँ? हाँ? मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे उसमें या उसकी किसी चीज में दिलचस्पी है। रुको, मुझे दिलचस्पी है? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसके जैसा अजीब लड़का मेरा पहला प्यार नहीं बन सकता। मुझे प्यार करने वाला लंबा, हैंडसम और भरोसे के लायक होगा, या जैसे मेरा बड़े भाई की तरह। लेकिन हर बार हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती है और वो मुझे एक प्यारी सी स्माइल देता है। इस तरह का स्माइल सही नहीं है। सेतोगुची सान, क्या तुम्हारा क्लब मीटिंग खत्म हो गई है? क्यों? हम सबने आंखें बंद की थी। अगर हम दोबारा मिले, अगर हमारी आंखें थोड़े टाइम के लिए और मिले। नहीं नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। सेतोगुची-सान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है। उसे देखने से मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है ग्रेजुएशन बहुत बेकार है। मैंने चाहती कि हम अलग हो और हम सब अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सही कहा? हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। कोयोकी-सेनपाई। सेतोगुची-सान। कोयोकी-सेनपाई, तुम कौन से हाई स्कूल जा रहे हो? सकुरागाको हाई स्कूल जा रहा हूँ। सकुरागाको?
सत्तो खुशी सा सत्तो खुशी सा क्या हे हिना रो ना मत चले पीछे लेते ओके ओके अब स्माइल बता दो तुम क्या कर रहे हो मोचता जरा उधर देखो क्या ये हिनाचंद के लिए रोना है क्या पता पर मुझे लगता है कि वो अपने सीनियर्स को जाते देख रो रही है पर मेरा मन कर रहा है कि मैं खुशी के मारे नाच पड़ूं अपने सीनियर्स को जाते देख तुम ऐसा कह रहे हो ये हमारी मिक्स फीलिंग है तुम जानते हो ना लेकिन हाँ लड़कियों का कुछ पता नहीं चल रहा का मन पल भर में बदल सकता ये बिल्कुल छुपी हुई लैंड माइंस की तरह ये परेशानी भी हो सकती है मोचिता क्या तुम भी अपनी बहनों से परेशान हो तुम्हें कैसे पता कतरो लगता है मैं कभी लड़कियों को समझ ही नहीं पाऊंगा मैं दोबारा कोयोकी सेनपाई को देखने नहीं जाऊंगी मैं नहीं कर सकती हाँ मैं साकुरा गांव को हाई स्कूल जा रही हूँ तो पढ़ाई में मदद करोगे हाँ श्योर लेकिन साकुरा गांव का हाई ही क्यों क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह उसी स्कूल में जाना चाहती हूँ नाचुकी मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो हाँ मुझे कैसे पता होगा इसके अलावा ये तो मैथ है क्या तुम चिल्लाना बंद करोगी मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम्हें साकुरा गांव में कैसे एडमिशन मिल गया सही कहा क्यों ना तुम यू के पास जाओ उसकी मदद के लिए हिना चार में साकुरा गांव का जाने के लिए ट्राई कर रही है तुमने भी साकुरा गांव का कुछ चुना है जहाँ हिना अप्लाई कर रही है क्यों सही कहा ना बेवकूफ बिल्कुल नहीं बेवकूफ क्या तुमने तो दो बार कहा मैं साकुरा गांव में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर शहर की सबसे बेस्ट फुटबॉल टीम है ऐसा है क्या इम्प्रेसिव क्या बात है अब तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी तुमसे भी ज्यादा
सेनपाई, सेनपाई। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन ऐसा लगता है कि तुमसे दूर भाग जाऊं। जब हम मिडिल स्कूल में थे लेकिन इस वक्त मैं हम दोनों के बीच की दूरी को खत्म करना चाहती हूँ। क्लास वन हम लोग अलग हो गए। ये बहुत अकेला होने वाला है। क्लास थर्ड खुदाई देखो क्या उसने से तो किसी को फिर से स्टार्ट कर दिया। मेरी सीट है हाँ? लगता है ये साल अच्छा जाएगा। हम दोनों एक ही क्लास में हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे, क्या तुम कोयो की सेनपाई के पीछे हो? क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? अगर मैं इसे अभी कुछ कहूँगी तो ये पक्का मुझे परेशान करेगी। ये सच में काफी शानदार है। साकुरा बाबा का हाल में उसके बाद आना जरूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुमने उन्हें देखा नहीं क्योंकि उन्होंने मिडिल स्कूल में ग्रेजुएट की है ना? 2 साल हो गए हैं, वो बदल गए होंगे। शायद वो तुम्हारे बारे में भूल गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये यू की छोटी बहन है हीना चान। उसका अच्छे से ख्याल रखना। तुम ये काम धाम क्यों संभाल रही हो नात्सुकी? मैं हीना से तो बची हूँ, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। बीच में मत बोलो हीना चैन। दिक्कत क्या है, हीना और मैं तो प्रैक्टिकली सिस्टर्स हैं। लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन के रूप में नहीं देखा। हीना चैन तुम बहुत शांत हो। हीना चैन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुमने स्कूल की आदत डाल ली? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है सतगुची कुन। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छी आदत है दूसरों का ख्याल रखने की। ये किसी तरह से काफी हैरानी भरा लगता है। हीना, नात्सुकी और कोटारो, यहाँ बहुत से बच्चे हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है। क्या, मुझे भी? कोटारो? ये वो नात्सुकी का छोटा भाई है। तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। तुमने बताया था तुम्हारे छोटे भाई ने यहाँ एडमिशन लिया है नचन में। सुनने में काफी मजेदार लगता है। आकारी ने आज काफी कमाल दिख रही है। मुझे मैं तुम्हें पूरी तरह से देख सकती हूँ। मुझे चिंता है कि कोयो की सेनपाई कौन से क्लास में होंगे। ओए कोदारो। हाँ रुकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ आ गए। फिर मिदोरी ने इसे भी बनाया। क्या एग्जाम आसान थे? क्या कहा? हेल्थ और पीई सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। बेवकूफ, हेल्थ और पीई में करना ही क्या होता है। हाय सिरिजामा। ओ नारुमी, इसे सुनो। ये क्या है? मिदोरी सिर्फ डिंगे मार रहा है कि हेल्थ क्लास में उसके अलावा और कोई नहीं। अरे बेवकूफ, हेल्थ नहीं पीई, इन पीई। सेक्स एजुकेशन में माहिर कौन है? ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं। ओ ऐसा क्या? बाय। ओ ये सच में नाना भी है। ये सच में तुम हो है ना? चिल्ला क्यों रही हो? आराम से ओके। माफ करना मुझे, मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपना आइडियल माना है ननामी, और मैं हमेशा तुम जैसी बनना चाहती हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारी मैगजीन पढ़ती रहती हूँ। थैंक्स। आपने हेयर मॉडलिंग भी की है ना? ये हेयर स्टाइल सच में बहुत क्यूट है। रुको, क्या ये वही है? ओह, ये हेयर पिन है। मैंने इसका यूज फोटोशूट में किया था। कितना सुंदर है। सच में मेरे काम को पूरा ध्यान दिया है। सच में ननामी, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। तुम सच में कमाल हो, तुम सबको प्यार करती हो, यहाँ तक कि लड़कियों को भी। मैं बिल्कुल उल्टा हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ,
फर्स्ट ईयर क्लास वन अरिसा तक्का मिजावा। अरिसा चान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तक्का मिजावा ऐसे कम ही बात करती है। हे, ओतारो। हाँ। अगर तुम सेतो गुची को ढूंढ रहे हो तो मैंने उसे वहां पर देखा। मैंने देखा। मैं हर दिन हनीवा से पुडिंग खाती हूँ। शायद ऐसा हो कि वो तुम्हें भूल गए हो। क्या होगा अगर वो मुझे सच में भूल गए हो तो? सितोगुशी-सान, काफी वक्त हो गए हैं ना जब तुम सकुरा की हाई स्कूल में आए थे। तब तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें हर तरफ से देख रहा हूँ। सेनपाई को हेलो कहते ही लेकिन दूसरा कदम रखने के लिए मुझे क्यों किसी सेनपाई से बात करनी होगी। क्या वो यहाँ का ही स्टूडेंट है? कहाँ, वहाँ पर कौन है ये? वाव, वो क्यूट है। वाव, सच में हॉट है वो। कोयो की सेनपाई बदल चुके हैं। उससे बिना पूछे भी मुझे इसका कारण पता था। वो कारण जिससे वो बदले, वो एक लड़की को पसंद करने वाले थे जो कि उन्हें भी वापस पसंद करे। किसी को पसंद करना ये एक फीलिंग है, ये सबको होता है, तो इसमें इतना मुश्किल क्या है। हाँ, मैं क्लब के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे ये फ्लावर कहाँ लगाने चाहिए? हाँ, वो यहाँ जाता है। युकी, मैं भी मदद करती हूँ। हाँ, शुक्रिया। ये येलो फ्लावर कौन सा है? हाँ, ये तो यहाँ सब एक ही स्पीसीज का फ्लावर्स है। क्या दिक्कत है, उसे सेकंड चांस नहीं मिल रहा है क्या दोबारा देखने की? लेकिन अचानक से वो खुद को इसमें धकेल रहा है। मैं ही वो हूँ जिसे वो लंबे टाइम तक पसंद आई है। लेकिन मेरे ख्याल से अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। सितोगुशी-सान, युकी, क्या बात है? क्या वो तुम्हारी दोस्त है? मुझे पता नहीं। मैं कैसे उसके आसपास काम करूं जबकि वो तुम्हारे क्रश के दिल जीतने का कोशिश कर रहा हो।
चाहती हूँ कोई सेनपाई से बात करना। हीना भाई, तुमने कहा था कि एक फिल्म है जिसे तुम देखना चाहती हो, चलो दोनों साथ में देखते हैं, यह सही रहेगा। चलो भी तैयार हो जाओ। आपको मुझे इनवाइट करना थोड़ा अनयूजुअल है। मेरा मतलब तुम मेरे साथ वीडियो गेम भी नहीं खेलना चाहते थे। लगता है इस छोटी सी चीज से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। लेकिन मुझे अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी करना है। मैं जानती हूँ। हीना तुम काफी भारी हो। अरे देखो भाई की बच्ची कोतारो। कोतारो ओह प्लीज कहो द सिस्टर लवर। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूँ। तो तुम एक सिस्टर लवर हो? हाँ मेरा मतलब मैं सिस्टर लवर नहीं हूँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सिस्टर लवर भाई की बच्ची, सिस्टर लवर भाई की बच्ची, सिस्टर लवर भाई की बच्ची। साथ में कितने अच्छे लगते हो, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ तुम कहीं जा रही थी ना, तो जाओ। वैसे भी हम जा ही रहे थे। चलो चले भाई। कोतारो हाँ थैंक यू। हाँ हाँ चलो चले। हाँ मुझे लगा तुम कहीं बाहर गए हो। मन बदल गया। अगर हीना खुश है तो मैं भी खुश हूं। हाँ, मुझे नहीं पता मुझे कौन सा पिक करना चाहिए। हे, तुमसे तो कुश्ती को देख रहे हो है ना? वाह! उसे परेशान मत करो। तुम देख कर रहे हो उसे अगेन? हम बात कर रहे हैं जैसे तुम और श्रीतगुची दोस्त थे ना पहले जब तुम छोटे थे। हाँ इसका मतलब तुम उसे पहले ही टच कर चुके हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बातें क्यों कर रहे हो? ये हाई स्कूल बॉयज की आम बात है, इसमें इतना वो क्या कर रहे हो? लेकिन तुम्हारी आम बातें नहीं होती है। जो आम बात तुमने देखा ना वो आम बात नहीं है। तो तुम्हें श्रीतगुची में क्या पसंद है जरा बताओ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये देखो हमारे पास एविडेंस है, तुम अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पाए। ये बस एक इत्तेफाक था। हाँ ये मुझे थोड़ी कंफ्यूज टाइप की लड़की लगी, जैसे कि बेवकूफ। तुम इमोशनली इतने अच्छे नहीं हो। मैं
ओ रिया चैन, हमारे डेट के बारे में क्या हुआ? क्या सच में? चलो देखते हैं जापान में कितने लोग प्यार में पागल है। तुम दोनों तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैं हीना को पसंद करता हूँ। पर हमने तो कुछ कहा ही नहीं, क्या हम गलत थे? ऐसे ही रहो। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे रखने के लिए थैंक्स। हाँ, वेलकम बैक। ओ, नात्सुकी, तुम यहाँ पड़ोस में क्या कर रही हो? हाँ। क्या वो वहाँ थी? कौन वहाँ थी? तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं नहीं जानती किसी के बारे में। वो लड़की जो मेरी उम्र की है। ओ, तुम्हारे मतलब हीना चान। तो क्या उसने मुझे मेरा जिक्र किया था? हाँ, इन मोटर 323 हम ऐसे तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैं सिर्फ पूछ रहा था। ठीक है, मैं समझ गई। अगली बार मैं सिर्फ काम के बारे में बात करूंगी। हाँ, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी है बदसूरत। हाँ? तुम्हें अपनी बड़ी बहन को अगली कहने की हिम्मत कैसे हुई? बदसूरत। तुम हो डमी। पगली। ऐसा लगता है वो मेरे बारे में सोचती भी नहीं है। फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं बस उसे हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि वो कभी न रोए। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। चलो लेडीज, चलो बर्गर खाते हैं। मुझे घर जाके टेस्ट की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने से पहले थोड़ा खाना खा लेते, चलो। हे, रुको। हाँ। चलो खुद को दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ? ओ मिस चैन, क्या चल रहा है? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम ही हो जो मेरे दिमाग में चलती रहती हो हर वक्त। मेरा दिमाग नहीं, मैं सीरियस हूँ। असल में मैं तुम्हें अपने सपनों में भी देखता हूँ। ये लाइन अप क्या है? हाँ,
क्या बात है? असल में मैं हमेशा से ऐसी जगह पर रुकना चाहती थी मेरे दोस्तों के साथ स्कूल के बाद। द स्टार प्रोडक्ट या एप्पल पाई है? ये लो इसे, ये स्वीट एंड डिलीशियस है। ठीक है, अगर तुम ऑफर कर रही हो तो। माफ करना इसके लिए। चलो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बताते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हो? तुम जिससे प्यार करती हो उसे अपने फीलिंग के बारे में कैसे बताओगे? कहा तो तुम पहले बताओ। मुझे कैसे पता होगा, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तुम हिना सेन के बारे में क्या सोचते हो? मुझे यकीन है कि लड़कियां भी इस बारे में सोचती होगी। जैसे कि मैं अपने क्रश से कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम साथ में रहे। मुझे नहीं पता है। तुम इस फिकर के साथ बहुत फेमस हो जाओगी। या ये कहे कि क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? या कौन है, क्या हम उसे जानते हैं? सीमोन दारो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब क्लासमेट ही तो है। तुम घटिया हो। हाँ, क्या, क्यों? तुम देख नहीं सकते हो क्या कि तुम उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो? तकमी सावसन। हाँ ठीक है, इतना मत भड़को मुझ पर। आज सचिन तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी स्माइल। सचिन तुम सच में बहुत क्यूट तुम हो। ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी आसानी से हंस देते हो, हालांकि ये कोई मजाक नहीं। लेकिन ये बहुत मजेदार है, जोरों से हंसने में तो असली मजा है, सीरियस होने पे तो। ये बहुत बेकार है, समझे तुम? हाँ, ये सब बंद करो, बर्गर ठंडा हो जाएगा, चलो खाते हैं। चलो बात को बुलाते हैं और एंजॉय करते हैं। हे कोतारो, केचा, क्या कर रहे हो तुम भी ना? हाँ, असल में क्या कर रहे हो? ओए केचप मजेदार चीज है क्या? हम दोनों एक ही हाई स्कूल में हैं, तो चीजें ज्यादा अलग नहीं है। हीना चा, मियो चान। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम आज हारुकी के साथ नहीं हो? नहीं। ऐसा है? वैसे आमतौर पर तुम और हारुकी किस बारे में बात करते हो? इस पर क्या कहूँ? बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज है। क्या नॉर्मल चीज? नॉर्मल तुम जानती हो, स्कूल में क्या हुआ या हमारे दोस्तों के बारे में, और फिल्म जो शायद हारुकी को पसंद है। सच में सिर्फ एक ग्रुप है आम सी चीजों का। क्या हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया है और अब तो बात करना भी मुश्किल हो गया है? इसे झगड़ा नहीं कह सकते, जैसे कि पहला एक कदम। जब मैं हैरान होने लगती हूँ तो वो क्या सोचता है, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचता है? काश मैं वो कह पाती जो मैं सोचती हूँ।
मैं जानती हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम किसी को बताना चाहते हो कि तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो, लेकिन तुम पीछे भी हट सकती हो और खुद को अलग भी कर सकती हो। हम यहाँ रोमांस के बारे में बात कर रहे हैं ना चा, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? मियो चान, डोंट वरी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। मेरा एक दोस्त है जिसे इसका पछतावा है। वो अपनी फीलिंग्स को बढ़ाती है लेकिन सच नहीं कह पाती। वो जानती है कि उसे प्यार है लेकिन उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं है। वो सच में बुद्धू है। शायद वो उसे इमोशनल डिस्टेंस बनाने में डरती है क्योंकि वो उसे बता भी नहीं सकती। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं रुकती है ना। अगर वो बिना कुछ कहे ही ग्रेजुएट हो गए तो वो काफी दूर चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। फिर दूरी उसे और इमोशनल बनाती जाएगी। जब वो ग्रेजुएट हुआ, जब कोयोकी सेनपाई ग्रेजुएट हो जाएंगे और दूर चले जाएंगे, अभी और कितना मुझे और कितना टाइम मिलेगा उसे आंखों में आंखें डालकर बात करने में। तो चलो। आखिर मैं ये लव लेटर लिख क्यों रही हूँ? सब कुछ लिख दूंगी, सब कुछ जो मेरी फीलिंग है।
ठीक है। यहाँ पास करो। एना मातो। मेरे साथ चलो अभी। तुम्हें क्या हो गया है? सेतु कुछ ही अजीब बिहेव कर रही है। क्या? कोटारो, जल्दी आ जाओ। सॉरी, मैं एनोमोटो को ले जा रही हूँ। ओए, तुम? तुम्हें अभी जाना होगा। मैं, तुम, सेतु कुछ ही पहले भी मेरी मदद कर चुके हो। करना, मैं कभी भी अच्छी नहीं रही। मैं भी वैसे ही हूँ। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, आखिर में खराब हो ही जाता है। फिर भी जो डर गया वो मर गया। तकामी जावा, शुक्रिया। एना मतो, लड़ो। यस। अभी तक घर नहीं गए। उसका क्लब अभी खत्म हो जाना चाहिए। उन्हें जरूर लेट हो गई है। सिनपा। सेतुगुची-सान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टाइमिंग ही खराब है। कह दूं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। मुझे ये कहना ही होगा। वो मैं तुम्हारे बारे में क्या? मेरा दिल टूट गया था। दिल टूट गया? भले ही मैं तुम्हें यहाँ बैठाया हूँ, लेकिन आई लव यू। आई लव यू सेनपाई। फिकर मत करो, तुम्हें मुझे अच्छा फील करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुक्रिया। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। इससे तो कुछ इंसान, तुम्हें अंधेरा होने से पहले ही घर जाना चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ। रुको। तुमने उसे रुलाया। तुमने हिना को रुलाया। क्या तुम्हें हर चीजें मजाक लगती है क्या? तो क्या तुम सेतुगुची-सान को प्यार कर रहे हो? ना कहने का पछतावा मत रखो, ओके? ओए,
अब इसका क्या मतलब है? घर चले। तुम उसे ये देने वाली थी ना? कोई बात नहीं, पर तुमने इसमें अपने दिल की बात लिखी थी। भले ही मैंने उसे दिया था। मैं अभी भी नाराज हूँ। तुम किस लिए पागल हो रहे हो कोतारो? मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, और मैं इतना हेल्पलेस होने के लिए सच में बहुत गुस्सा हूँ। तुम अजीब हो। वैसे तुम्हें लगता है कि तुम सॉकर टीम पर स्टार्टर स्पॉट बना पाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। जिंदगी काफी आसान हो जाती है जब आपके पास जज्बात हो। जज्बा बहुत जरूरी चीज होता है जो आपको राह दिखाती है और आपको अपने मंजिल पाने में मदद करती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम नहीं करेगा, फिर भी मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। अगर तुम अपने मंजिल के लिए सच में सीरियस हो तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने में मदद करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे एनिमे डब स्पॉट ने आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू मूवी डब कर दिया है, देखना चाहोगी? ठीक है, अगर मेरा शेड्यूल खुला। तुम भी ना। मगर मैं मूड में हूँ।